नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आपके अपने होसन दोस्त डॉक्टर वायरा की। और सुबह सुबह आपको मैं फूलों की मार्केट में लेकर आई हूं। फूल जो भगवान को बेहद ज़्यादा प्रिय हैं और बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। ये पूरी फूलों की मंडी है जो आप देख रहे हैं, और इस मंडी के अंदर भगवान के को चढ़ाने वाले समक्ष फूल मिलते हैं। आप भी अपने घर में फूलों का इस्तेमाल ज़रूर करें, और ख़ासकर वो फूल जो फ्रेश हों, क्योंकि फ्रेश फूलों का इस्तेमाल करने से जीवन के अंदर खुशहाली आती है, घर की नेगेटिविटी दूर होती है, घर में पॉजिटिविटी आती है। इसीलिए अगर अपने व्यापार क्षेत्र, काम के क्षेत्र, ऑफिस में फूलों का इस्तेमाल किया जाए, चाहे वो प्लांट्स रखे जाएँ, उससे घर बहुत पॉजिटिव होता है। तो अभी तक अगर आप एक बार भी अपने घर ऑफिस में फूल इस्तेमाल नहीं करते हैं, तो इस बार इस भादों के महीने में फूलों का इस्तेमाल करके देखिए और अपने जीवन में बदलाव लाइए। देखिए विभिन्न विभिन्न तरह के फूल आपको यहाँ मिलेंगे। इट इज़ अ मैं डॉक्टर वायरा की आज आपको फूलों की मंडी में लेकर आई हूँ। देखिए कितने फूल हैं यहाँ, खूबसूरत सा ये नज़ारा फूलों का, और विभिन्न विभिन्न तरह के फूल आपको यहाँ मिलेंगे। देखिए ये फूल, ये प्लांट्स अपने घर में रखना बहुत पॉजिटिव होता है। देखिए कितने सुंदर फूल। तो गुलाब, ये गुलाब के अलग अलग विभिन्न रंग, येलो कलर का, पिंक कलर का, और ये फ्लावर्स, इन सब फूलों को आप अपने घर में लीजिए और इस्तेमाल कीजिए। देखिए तुलसी की माला, कितनी खूबसूरत है ये तुलसी की माला, जो भादों के महीने में श्री कृष्ण भगवान को बेहद प्रिय है। जन्माष्टमी की तैयारी हो रही है फूल मंडी में, और आप भी इसका हिस्सा बने, अपने ऑफिस में फूल रखें।